हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 344 में कहता है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कौन सा होगा। तो बच्चों आपको पता है न्यूट्रल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रल वाला एक भी नहीं है। फिर ऑक्टेट रूल देखिए, सी प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी सी प्लस जिसमें भी आ जाए बच्चों वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर देखिए ओ प्लस है, ओ प्लस में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए, मतलब कम्प्लीट ऑक्टेट है। तो बच्चों ये है कम्प्लीट वाला और ये तीनों है बच्चों इनकम्प्लीट वाला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला बच्चों। तो डी ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल पूछा है, कम्प्लीट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों 345 में, मोस्ट स्टेबल पूछा है। देखिए सी प्लस, सी प्लस, सी प्लस जिसमें भी दिखा हुआ इनकम्प्लीट है बच्चों। यहाँ एन प्लस, एन प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो ये कम्प्लीट ऑक्टेट वाला है बच्चों, ये है कम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, तो यही ज़्यादा स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है बच्चों, इसमें जब आप रेजोनेंस कराओगे तो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। तो बच्चों रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है? देखिए यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन तो सब में है, तो बच्चों ये देखिए 2 डिग्री, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन, फिर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बच्चों, और ये भी 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ठीक है ना? तो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों? 3 डिग्री वाले के पास बच्चों यहाँ पर अल्फा एच 3 डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? जिसके कारण इसको रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है ना बच्चों? बाकी सब 2 डिग्री वाले। 347 में बच्चों सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में सुधार कीजिए। यहाँ पर जहाँ मैंने रेड कलर कर रखा है ये बच्चों डबल है, वहाँ पर सिंगल आएगा, ठीक है ना बच्चों? इसमें पूछा है मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? बच्चों इसमें मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा आपका, देखिए सी प्लस सब में है, सी प्लस सब में है, मतलब सबके सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं, क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जब किसी कार्बोकेटाइन से बच्चों माइनस एम ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होता है ना, जब किसी कार्बोकेटाइन से माइनस एम ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बोकेटाइन बच्चों हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना? तो इस वाले कार्बोकेटाइन में देखिए ये जो ग्रुप है बच्चों ये क्या है, माइनस एम ग्रुप ही तो है, ठीक है ना? तो ये वाला हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है ना बच्चों? तो मोस्ट अनस्टेबल पूछा है तो यही वाला आंसर होगा। 348 में क्या है बच्चों, डराने का कोशिश किया गया है, ए बी सी डी इस तरह से, डरने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में ए बी सी डी से दिखाया हुआ है, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी में जो नीचे नीचे होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बोले तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूँ तो बच्चों ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर बी है, फिर सी है बच्चों, और फिर डी। अब अपने से पूछा है ए बी सी डी रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड द स्ट्रक्चर बी, मतलब अपने को स्टेबिलिटी ये चारों में से स्टेबिलिटी देखना है बच्चों। तो आपको पता है न्यूट्रल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये ए हो गया, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर सी प्लस दिख रहा है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहाँ पर ओ प्लस है, ओ प्लस है तो बच्चों इसको 3 बॉन्ड बनाना चाहिए लेकिन एक ही बॉन्ड बनाए हुए, तो ये दोनों इनकम्प्लीट वाले हैं बच्चों। तो ये हो जाएंगे सी डी वाले बच्चों और ये हो जाएंगे बी वाले, तो हमसे बी पूछा है तो बी हो जाएगा यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 349 में बच्चों फिर से वैसे ही ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन इस ग्राफ में बच्चों ये जो लाइन है एक ही लाइन पर ए और बी दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ ए और बी बच्चों बराबर है। तो ए और बी बराबर स्टेबिलिटी के तभी हो सकते हैं जब इक्वल आर एस वाला कॉन्सेप्ट आए। तो इक्वल आर एस आपको पता है एसीटेट आयन में बनता है, यहाँ से जब आप रेजोनेंस कराएंगे तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर बनेगा ओ माइनस, तो ये दोनों इक्वल आ रहे से बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 315 बच्चों सी ओ टू के 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब बच्चों अपने को इसमें कहता है कि ए बी सी कौन सा होगा, है ना? ग्राफ इस बार ग्राफ अलग अलग पूछा है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेबिलिटी देखिए, तो न्यूट्रल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल,
फिर बच्चों देखिए यहाँ पर सी प्लस दिख गया, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो सी गया पीछे और बी गया बीच में। तो ये बच्चों क्या है बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसका मतलब ए आएगा ग्राफ में नीचे नीचे, फिर बी और सी सबसे ऊपर ऊपर। तो सी सबसे ऊपर, ए नीचे और बी बीच में, बच्चों तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए, ठीक है ना। आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार।